सॉर्ट आउट टू WWE YJ सॉर्ट मेकर 90 रोमन रेंस एंड डिजिटल 1928। और भी बहुत लोगों ने मेरे को कमेंट किया था क्वालिटी इनहेंस वीडियो के लिए, तो मैं सभी का नाम तो वीडियो में नहीं ले सकता हूँ, बट कोई बात नहीं, नेक्स्ट वीडियो में उन लोगों को सॉर्ट आउट जरूर मिल जाएगा। चलिए प्रीव्यू देखते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ऐसी क्लियरिटी करने के लिए हम फटाफट अपने कैपकट को ओपन कर लेते हैं और एक अपने कोई सी भी वीडियो को सिलेक्ट कर लेते हैं। वीडियो को सिलेक्ट कर लेने के बाद सबसे पहले हमें उस वीडियो की क्वालिटी को इन्हेंस करना है। चाहे तो आप HD भी कर सकते हैं, अल्ट्रा HD भी कर सकते हैं। अभी तो ये नहीं हो रहा है, लेकिन थोड़ी देर में होगा HD। देखिए ऊपर होने लग गया है। तो इसके बाद हम अपने एडजस्टमेंट में जाएंगे। आप अपने मन मुताबिक अपने वीडियो को एडजस्ट कर सकते हैं, फ़िल्टर लगा सकते हैं, आपको जैसा मन करे वैसा कर सकते हैं। फिर फ़िल्टर में जाके आप क्लियर, कोई सा भी फ़िल्टर आप यूज़ कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारी वीडियो अभी से कितनी ज़्यादा क्लियर लग रही है सिर्फ़ एडजस्टमेंट करने के बाद। अभी तो इसमें और भी चीज़ें करनी है। कैपकट में हमें जितना भी काम करना था वो पूरा हो गया। अब सिंपली इस वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेना है, तो जल्दी से हम इस वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेते हैं और चलते हैं एलाइट मोशन की ओर। एलाइट मोशन को ओपन करने के बाद आप किसी भी रेशियो में अपना प्रोजेक्ट बना सकते हैं। जो अभी हमने प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट करा था उसे इंपोर्ट कर लेना है। और वीडियो को मैं थोड़ा फास्ट करने जा रहा हूँ ताकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा ना हो पाए और आप थोड़े बोर ना हो जाएं, तो इसलिए आप अच्छे से समझिएगा, देख लीजिएगा। और अगर आपको समझ ना आए तो वीडियो को आगे पीछे करके आप अच्छे से समझ लीजिएगा। और आपको तब भी कोई डाउट हो या लगे आपको, तो मेरे को कमेंट में सिंपली बता दीजिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो आपके लिए बना दूंगा ताकि आपको और भी अच्छे से समझ आ जाए। तो एंजॉय करिए म्यूज़िक को और समझिए अच्छे से। तो देखिए ये बिना इफ़ेक्ट के कैसी दिख रही है और इफ़ेक्ट लगने के बाद कितनी क्लियर दिख रही है। तो हम इफ़ेक्ट की लेंथ पूरी वीडियो में लगा देते हैं और सिंपली इस वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेते हैं। एलाइट मोशन में भी हमारा पूरा काम ख़त्म हो गया। अब हम इस वीडियो का एक्सपोर्ट करेंगे, तो थोड़ा सा समय लगेगा एक्सपोर्ट करने में। मैं थोड़ी सी फास्ट वीडियो कर देता हूँ ताकि जल्दी एक्सपोर्ट हो जाए। तो फाइनली वीडियो एक्सपोर्ट हो गई है और देखते हैं इसका लुक कैसा है। विंग कैप ओपन करने के बाद AI रिपेयर में जाकर वीडियो को सिलेक्ट करके हमें क्वालिटी रेस्टोरेशन को फुल कर देना है और सबको कम कर देना है। ऑटो पर क्लिक करके सबमिट पे कर देना है और फाइनली रिजल्ट आपके सामने है, कैसी वीडियो थी और कितनी ज़्यादा इन्हेंस हो चुकी है। आई होप ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी। अगर किसी भी प्रकार की आपको दिक्कत होती है तो कमेंट कर दीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में आपको सॉर्ट आउट मिल जाएगा। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। सभी को जय श्री राम।